उत्तराखंड एक और ब्लॉग में दोस्तों यार आपका स्वागत है। ब्लॉग होने वाला है दोस्तों, आज बना रहे हम येलो ग्रेवी। तो आज आपको दिखाएंगे येलो ग्रेवी कैसे बनाते हैं। दोस्तों हमने प्याज काट लिया है येलो ग्रेवी के लिए और हम करेंगे इसको फ्राई, ना कि बॉइल। हम बनाएंगे फ्राई में और हम करेंगे ऑनियन को फ्राई। एक तरफ दोस्तों हम करेंगे ऑनियन को फ्राई, दूसरी तरफ हमने काजू और जो मगज है वो बॉइल करके रखे हुए हैं। तो हमारा ऑनियन फ्राई हो चुका है, अब इसमें करेंगे दही ऐड और इसके बाद इसको पीस देंगे हम मिक्स करके। तो यार फ्राई ऑनियन पीसने के बाद आप करेंगे काजू मगज और इसको पीसेंगे। ब्राउन होने काजू बगज पीसने के बाद अब मारेंगे हम ग्रेवी में तड़का और हमने लगन रख दिया कढ़ाई के ऊपर और ये डाल दिया दोस्तों तेल। तो यार तेल गर्म होने के बाद इसमें डाला हमने बे लीफ, सिनेमन स्टिक और बिग कार्डमम और स्मॉल कार्डमम। इसको हल्का अच्छे से टॉस मारें। अब दोस्तों हम करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक ऐड और दोस्तों जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो खड़े मसाले मारे थे इसको अच्छे से पकाएं और दोस्तों पकने के बाद अब इसमें दही मिर्च ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर ऐड करना है इसमें। दोस्तों अब हम करेंगे ऐड जो हमने पेस्ट बनाया था ब्राउन ऑनियन और मगज और काजू का और इसको अच्छे से मिलाएं। यार सब चीज़ मिलाने के बाद अब इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे लगभग 30 मिनट तक और तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़े। हमने लगन में ग्रेवी को छोड़ दिया है स्लो आंच में पकाने के लिए और बीच बीच में हिलाते रहें और 30 मिनट तक पकी जाएगा ग्रेवी और उसके बाद आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हमारी ग्रेवी लगभग पकी चुकी है, 30 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ग्रेवी पकने के बाद अच्छे से थिक हो जाती है और पूरा जो ऑयल होता है वो छोड़ देता है। दोस्तों इस तरह तैयार हो गई हमारी येलो ग्रेवी। उसके दो तरीके हैं बनाने के, आप जैसे बॉयल करके जो मैक्सिमम जगह बनाई जाती है बॉयल करके और उसके बाद तड़का मार के, बट हमने थोड़ा डिफरेंट में बनाई ऑनियन को ब्राउन करके उसमें हैंग का दही यूज करके और उसके बाद पीस के इस तरह जो आपको वीडियो में दिखाया है। तो वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।